भूपेश बघेल कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। इस वक्त जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, माना जाता है कि सबसे मजबूत सरकार भूपेश बघेल चला रहे हैं। इस साल छत्तीसगढ़ में चुनाव भी होने वाले हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर एक बड़ा आरोप लगाया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी जो लगातार राज्य के अलग अलग शहरों में हो रही है, उसका मकसद किसी भ्रष्टाचारी या किसी घोटालेबाज को पकड़ना नहीं है, बल्कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसाना है। उन्होंने यह भी कहा कि कथित शराब घोटाले में ईडी के अधिकारी दबाव डाल डालकर लोगों से उनका नाम लेने को कह रहे हैं। भूपेश बघेल पत्रकारों से बात कर रहे थे और उसी दौरान ईडी का यह सवाल उठा। ईडी की छापेमारी लगातार छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों में बढ़ी है। अलग अलग शहरों में अलग अलग दिनों में ये छापेमारियां हुई हैं और ईडी की प्रेस रिलीज के मुताबिक आगे भी इस संबंध में कार्रवाई जारी रहने वाली है। भूपेश बघेल ने कहा कि चुनावी साल में ईडी छत्तीसगढ़ में बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। झूठे केस बनाए जा रहे हैं और इन केस में लोगों को फंसाकर दबाव डाला जा रहा है कि वो मेरा नाम ले ले। ईडी का मुख्य उद्देश्य किसी अपराध या भ्रष्टाचार की जांच करना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को बदनाम करना है। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी को समझ आ गया है कि वो इस साल होने वाले राज्य के विधानसभा चुनाव को नहीं जीतने वाली, इसीलिए वो ईडी का इस्तेमाल कर रही है, वो भी एक एजेंट के तौर पर। ईडी के अधिकारी हर छापे या छानबीन के बाद जो प्रेस को जानकारी देते हैं, उसका जो टोन होता है, उसका जो शब्द होते हैं, वो किसी पार्टी प्रवक्ता की तरह बात करते हैं और एक जांच एजेंसी के बयानों की ऐसी टोन नहीं हो सकती। भूपेश बघेल ने ईडी पर अपराधियों से साठगांठ का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर डिस्टिलरों ने यह स्वीकार किया कि उत्पाद शुल्क दिए बगैर वो शराब बेच रहे थे, तो ईडी ने फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। मुख्यमंत्री ने तो आगे ये भी कहा कि अब तो सवाल ये उठता है कि बिना आबकारी शुल्क भरे यदि शराब कोई बेच रहा है तो क्या वो अपराधी कानूनी तौर पर सही बात करेगा और क्या ऐसे अपराधियों को ईडी गवाह बनाकर एक सही फैसला ले पाएगी। इसमें फायदा तो उन्हीं अपराधियों को मिला है और उन्होंने यानी कि अपराधियों ने इस बात को स्वीकार भी किया है। भूपेश बघेल ने कहा कि जिस तरीके की जानकारी उनको मिल रही है, उससे तो ये लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में ईडी की इन डिस्टिलरों के साथ या फिर बीजेपी नेताओं की इन डिस्टिलरों के साथ साठगांठ हो चुकी है। तभी तो इन लोगों को अपराधी बनाने या आरोपी बनाने के बजाय उनको सरकारी गवाह बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बघेल ने आगे कहा कि ईडी तो इन डिस्टिलरों पर कार्रवाई नहीं करने वाली, लेकिन राज्य का एंटी करप्शन ब्यूरो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा रहेगा और अब तक जो जानकारियां उनको मिली है उसके आधार पर छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो काम करेगा। भूपेश बघेल ने यहां तक कहा कि वो कानूनी जानकारों से सलाह ले रहे हैं और ऐसी कार्रवाइयों और बयानों का कानूनी तौर पर जवाब देने की तैयारी भी कर रहे हैं। जैसा हमने शुरू में कहा, इस साल छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं और चुनावी राज्यों में लगातार हम देख रहे हैं कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनकी छापेमारी का राज्य में सत्तारूढ़ पार्टियां खुलकर विरोध करती हैं। छत्तीसगढ़ में साल चुनाव होने वाले हैं और उसी समय जब ईडी की ये छापेमारियां राज्य में बढ़ी हैं, तो भूपेश बघेल का ये बड़ा आरोप कि ईडी राज्य में बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और उससे बड़ी बात ये कि ईडी के अधिकारी अपराधियों से ही मिल चुके हैं। अब देखना ये है कि ये केंद्रीय एजेंसी इस मामले पर अपना क्या बयान देती है, क्या जवाब देती है। लेकिन एक बात साफ है, रायपुर में कांग्रेस के हुए अधिवेशन से अब चुनाव के करीब आने तक ईडी की बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं कांग्रेस को ढेर सारे सियासी सवाल पूछने का मौका जरूर दे रही है। मन से उजाला कर चले, मन से